प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको पिछले वीडियो में मेंशुरेशन 8 नंबर की, अलजबरा आपके 18 नंबर की, कोऑर्डिनेट आपके 5 नंबर की, त्रिकोणमिति आपके 12 नंबर की, रियल नंबर आपके 5 नंबर के, संख्यांक की आपके 10 नंबर की यूनिट बाय यूनिट करा रहे हैं, समझा रहे हैं। हम आपको 10th क्लास का टोटल सिलेबस करा देंगे। आप आराम से घर बैठे बैठे अध्ययन करते रहें, पढ़ते रहें और समझते रहें। जरा देखिए क्वेश्चन क्या है। तीन पॉइंट आपको दे रखे हैं त्रिभुज के, तो आप कह सकते हैं या त्रिभुज के तीन शीर्ष दे रखे हैं, तीनों समय क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए अपने आंसर या सोल्यूशन में x1=0, x2=0, x3=13, y1=0 है, y2=13 है, y3=0 है। अब आप देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, ज़रा ध्यान दें फार्मूला या सूत्र क्या है, ज़रा ध्यान दें। 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट है बड़ी वाली, x1 y2 - y3 आपके ब्रैकेट के अंदर है, प्लस x2 y3 - y1 आपके ब्रैकेट के अंदर है, प्लस x3 y1 - y2 आपके ब्रैकेट के अंदर है, और बड़ी ब्रैकेट से उसको बंद कर रखा है। आगे आप देखिए ज़रा ध्यान दें, 1/2 बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट है, x1 का मान जब 0 है तो पूरी टर्म वो 0 जाएगी, प्लस इसी तरीके से x2 का मान 0 है तो आपकी अंदर वाली टर्म 0 जाएगी, प्लस x3 का मान आपका 13 है, y1 का मान आपका 0 है, माइनस y2 का मान आपका 13 है। ज़रा ध्यान दें, आगे आप देखिए, जब आप 13 की गुणा करेंगे माइनस में तो 169 मिलेगा, 1/2 की गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 169/2, जो आपका माइनस में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए आप इसको वर्ग मात्रक में लिखेंगे या रखेंगे। यही आपका आंसर है, सलूशन है। अगर आपको वीडियो सही व सटीक लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको और भी इम्पोर्टेंट प्राप्त कराते रहें।